अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना हनीफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल है, पोटैटो रोल चीज़ी बनाना आपको सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और रमज़ान के लिए तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चले आए देखते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको छील कर मैंने पानी में डिप कर लिया था। अगर हम इसे पानी में ना डालें तो इसका रंग डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे पानी में डाल दिया था। अब इन आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी मैं। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे आलू अच्छे से कश कर लिए हैं, सारे कद्दूकस कर लिए हैं इनको। अब मैं इस पर जो पानी, इसका एक्सेस पानी होगा, वो मैं हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ लूँगी। ये देखें इसमें कितना पानी निकलता है, आपको पता है। तो मैं अच्छे से हाथ से निचोड़ लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ सकती हैं, जैसे आपको आसान लगे। मैं इसी तरह तमाम आलूओं को अच्छे से निचोड़ लूँगी, इसमें सारा पानी खुश कर लूँगी। अब ये देखें आलू को अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है, खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पेपरिका और आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 1/4 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का डाला है। और नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, कम ज़्यादा, मैंने यहाँ अपने हिसाब से डाली है। आपको अगर कम करनी कम कर लीजिएगा, ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने चीज़ी स्टिक ले ली थी, मोज़रेला चीज़ स्टिक है, ये बनी बनाई भी मिलती हैं। खैर मेरे पास बाहर पड़ा हुआ था तो मैंने घर में से काट लिया था। अब ये देखें यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है मीडियम आँच पर। अब जो हमने मसाला लगा के पोटैटो को रखा हुआ था उसको मैं एक ट्रे में बिछा लूँगी और साथ में मैंने ब्रेड क्रम रखे हुए हैं। अब जो चीज़ की स्टिक मैंने आपको दिखाई थी वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से इन आलूओं के साथ रोल कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे और हाथ में उठा के इसको दबा दबा कर अच्छे से इसके ऊपर चिपका लेंगे। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। ब्रेड क्रम्स लगा के हाथों से अच्छे से दबाएंगे कि एक जान हो जाए, ये जुड़ जाए आपस में सारी चीज़ें, ये खुले ना फ्राई के टाइम। अगर हम इसको हल्के हाथों से ऐसे ही लगा कर रख देंगे तो ये ऑयल में जाते हुए सारे आलू खुल जाएंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लावर लगाने का मकसद यही था कि ये आपस में खुले ना, ये इसी तरह चिपक जाएँ। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं लगाएंगी तो ये ऑयल में जा के खुल जाएंगे। अब मैं इस तरह सारे रोल बना के रख लूँगी, ब्रेड क्रम इसको लगाती चली जाऊँगी। और एक बात और कि अगर ब्रेड क्रम आप लगाएंगे और लगाने के फौरन बाद इसको फ्राई नहीं करना, इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद दोबारा हाथों से इसको अच्छे से दबाइएगा कि कहीं ब्रेड क्रम लगने से रह ना जाए। अब तमाम रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब जो ऑयल मैंने मीडियम आँच पर गर्म करने के लिए रखा था, अब मैं उसमें एक एक करके ये रोल डालती चली जाऊंगी। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूं कि कभी भी कोई फ्राई करने वाली चीज़ हो, जिंगर बना रहे हो, कुछ भी हो, तो इनको फौरन नहीं पलटते हैं, इनको एक तरफ से अच्छे से सेकने के बाद पलटते हैं। अब ये देखें मैंने चारों तरफ इसे अच्छे से सेक लिया था। पोटैटो चीज़ी रोल बन के तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल का बटन दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आपको रमज़ान के हवाले से कोई भी और रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। बाकी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका भी हामिर और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।